सीरिया येथील निष्पाप नागरिकांवरती होणाऱ्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमिटीच्या वतीनं आमकाच मैदान ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सीरियात 8 वर्षापासून निष्पाप लोकांना मारण्यात येत आहे. यामध्ये 5 लाखाहून अधिक लोक मारले गेले. जगभरातील सर्व देश सीरियाला उद्ध्वस्त करायला निघाले आहेत. यात मरणारा प्रत्येक जण आपला भाऊ बहीण आहे. हे प्रकार थांबून शांतता निर्माण व्हावी यासाठी आमचा लढा असल्याचे स्वामी अग्निवेश यांनी सांगितले. सीरियातील अत्याचार प्रकरणी महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमिटीतर्फे आमकास मैदान ते विभागीय आयुक्त कार्यालयादरम्यान दुपारी मुकमोर्चा काढण्यात आला होता. कमिटीच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांना निवेदन दिले. त्यानंतर मार्गदर्शन करताना स्वामी अग्निवेश बोलत होते. विद्रोहियों की मदद में भी सरकारें आगे खड़ी हो गई है. अमेरिका भी खड़ा हो गया है, सऊदी अरब भी खड़ा हो गया है, कतर भी खड़ा हो गया है, गल्फ कंट्रीज की कुछ और हुकूमतें खड़ी हो गई है और उधर जो वहां के हुक्मरान है उनकी मदद में रूस का पुतिन खड़ा हो गया है, फ्रांस खड़ा हो गया है और साथ ही साथ ईरान भी आ गया है. इस पूरी लड़ाई को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई शिया और सुन्नी की लड़ाई है, लेकिन इसके पीछे की जो गंदी सियासत है वो बांट बांट करके तोड़ तोड़ करके मदद के नाम पर या और भी छोटी छोटी चीजों के नाम पर और वापस सबको गायब हो रही है. आज दुनिया के बड़े बड़े देश यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पास करके उसको लागू नहीं करा पा रहे. अभी एक महीने से भी कम वक्त हुआ और पूरी यूएन ने वापस सीज फायर कर लिया, प्रस्ताव पास किया, हमारी लड़ाई रोक को बंद करो. इसके बावजूद अभी एक हफ्ते पहले इतनी जबरदस्त वहां पर कत्लो गैरत हुई, 1,000 से ज्यादा लोग मार डाले गए जिसमें 200 मासूम बच्चे मारे गए. मासूम बच्चे इस प्रकार की कत्लो गैरत को दुनिया देख रही है. समाज पीर होकर के वहां मंदिर को तोड़ रहा था, मस्जिद बनाया तो 1528 में राम का सबसे बड़ा भक्त तुलसीदास रामचरित मानस लिख रहा था, वही अयोध्या में सरयू के नदी के किनारे बैठ करके पूरे रामचरित मानस दोहावरी विनय पत्रिका तुलसीदास की किसी भी कोई भी किताब में एक लाइन एक दोहा एक चौपाई क्यों नहीं है कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई. तो तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा है, किसी रविशंकर जी को कैसे दिखाई पड़ गया कि वो राम का मंदिर है. वो दे देना चाहिए क्यों इनको योगी आदित्यनाथ को लगा, क्यों हमारे बीजेपी वालों को लगा, विश्व हिंदू परिषद को लगा. के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हमने ये एहतजाजी मोर्चा रखा है. हम ये मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे, जो कि हम ये मांग करेंगे कि यूएनओ में इसको उठाओ और मासूम जानों को, बेकसूर औरतों को, बेकसूर बच्चों को जो खत्ल आम हो रहा है वो रुकाना है. इससे पहले भी हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने फलस्तीन के मसले पर, इसराइल के मसले पर फलस्तीन की तरफ से वोट दिया था. यही हमारी इंडियन गवर्नमेंट से मांग है कि ये जो जुल्म हो रहा है इंसानियत के खिलाफ इसको बंद करना है. हम ही नहीं, इस हिंदुस्तान के कई शहरों में हमारे हिंदू भाई भी मोर्चा निकाले और सिख भाई भी वहाँ पे रिलीफ लेके पहुँचे. तो हम इंसानियत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ एहतजाजन मोर्चा हमने निकाला है. तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको हम बहुत अमन तरीके से लेके चलिए. यावेळी सलमान निजामी, डॉक्टर सुधीर भोगले, मौलाना डॉक्टर हमीद हजरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.